होप यू ऑल आर डूंग गुड इन यूर स्टडीज तो आ गया है पार्ट ट्वेंटी फाइव एम सी क्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स देखो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं मोस्ट रिपीटेड एम सी क्यूज आप लोगों को करवा रही हूँ ठीक है मेरे जो पिछले पार्ट ट्वेंटी फोर हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें मोस्ट रिपीटेड एम सी क्यूज़ मैंने डाले हैं अब मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट के एम पहले करने हैं तो उसके पहले कराऊँ तो आपने बोला है मेडिकल सर्जिकल के पहले कराओ तो हम ऐसे करते हैं एक एक उसका यूनिट पकड़ते हैं जैसे हम गेस्ट ओ सिस्टम पकड़ते हैं इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट के फिर नेक्स्ट के फिर नेक्स्ट सिस्टम के ठीक है देखो अगर ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मैं पूरे कवर करूंगी ठीक है चाहे वो एम्स का हो चाहे ई का हो चाहे अदर स्टेट्स का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो एनी एनी एग्जाम ऑफ नर्सिंग ऑफिसर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आई टेल यू एवरी डे सो प्लीज़ इनको गो थ्रू हो जाओ ठीक है इनको अच्छे से पढ़ो क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन निकाल के लेके आऊंगी ताकि आप जो है पेपर के लिए परफेक्टली तैयार हो जाओ ठीक है सो so, विदाउट एनी डीले मैं स्टार्ट करती हूँ विद आर फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले तो ये है गेस्टो इंटस्टाइनल सिस्टम ठीक है तो हमारा पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स फ्रॉम इनर टू आउटर इन इनडाइजेस्टिवल सिस्टम ठीक है इन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन डाइजेस्टिव सिस्टम में इनर टू आउटर की लेयर की तरफ हमें अरेंज करना है इनर टू आउटर तो देखो ये मेरे पास ऑप्शन है सबम्यूकोजा मिकोजा सिरोसा मस्क्यूलैरिस म्यूकोजा सबम्यकोजा मस्क्यूलैरिस सिरोसिस मस्कुलरिस मिकोजा सिरोसा सबमिकोजा सिरोसा मिकोजा मस्कुलरिस मिकोजा तो इनमें से इनर टू आउटर करना है देखो आपको एग्जामिनर आउटर टू इनर भी पूछ सकता है तो आपको इनर टू आउटर देखो क्या लिखा है इसका जो इनर टू आउटर है वो है मिकोजा सबमिकोजा मस्कुलरिस एंड सिरोसा म्यू सु ठीक है इसको आप इस अरेंज म्यु तो इस में याद कर सकते हो सू सू सी सी ठीक है कैसे म्यू से म्यूकोज़ा म्यू से मस्कुलरिस एंड सिरोसिस तो इसको इस आप फॉर्म में याद कर सकते हो ठीक है कैसे म्यू ठीक है एम यू म्यू म्यूकोजा सू म्यूकोज़ा म्यू फिर से आ गया दैट इज मस्क्यूलैरिस और सी सिरोसा म्यूसू म्यूसी म्यूसू म्यूसी इज अ इनर टू आउटर इनडाइजेस्टिबल सिस्टम इनडाइजेस्टिबल सिस्टम की लेयर है ठीक है सो नेक्स्ट पे चलते हैं गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड एट जो गॉल ब्लैडर है हमारा वो कहाँ पे लोकेट करता है तो हमारे पास ऑप्शन है अपर राइट पार्ट ऑफ द अपडामन ऑन द राइट साइड ऑफ द अपडामन राइट साइड ऑफ द सॉरी लिवर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लीवर और बिलो द लीवर तो कहाँ पे करता है ये तो एनाटमी है आपको पता होना चाहिए तो ऑन द राइट साइड ऑफ द लीवर ऑन द राइट साइड ये जैसे कि हमारा लीवर है ठीक है जो ये लीवर है इसके राइट right साइड में अंडरनीथ जो है हमारा वो गॉल ब्लैडर वो लोकेट होता नेक्स्ट पे चलते हैं लैक्टोस इन इज अ कंडीशन दैट अक्कर बिकॉज ऑफ डेफिशेंसी ऑफ एंजाइम नोन एज जो लेक्ट लेक्टोस इंटॉलरेंस होती है वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है लैक्टेज माल्टेज ग्लूटेन और पेप्सिन सो जो लेक्टोस इंटॉलरेंस होती है वो लेक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है इसीलिए जो लेक्टो लेक्टोस इंटॉलरेंस वाले पेशेंट होते हैं अगर वो कुछ ऐसा डायरी प्रोडक्ट लेते भी हैं तो उनको हम एक लेक्टेस करके प्रोडक्ट आता है मार्केट में उसको आर्टिफिशली दिया जाता है ठीक है इसमें क्या होता है जो डायरी प्रोडक्ट का शुगर होता है ना वो जो है पेशेंट वो टॉलरेट नहीं कर पाता इसलिए उसको मोस्टली जो डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बंद किए होते हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं इन द लीवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इन टू अ पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाई जो बैक्टीरिया लीवर में अपना पोर्टल सर्कुलेशन की तरफ वे कर लेता है जाता है उसको डिस्ट्रॉय कौन करता है लीवर में सीलिया एच सी एल लिकोसाइटोसिस या फिर कूफर सेल्स सो so, ये तो आपको पता ही है जो लीवर के कूफर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं क्लियरेंस ऑफ ब्लड बैक्टीरिया ठीक है किस में हेल्प करते हैं ब्लड जो ब्लड में जो बैक्टीरिया जा रहा है उसकी क्लियरेंस में हेल्प करते हैं कैसे एंटर कर जाते हैं एंटर करते हैं गट से पोर्टल सर्कुलेशन में तो याद रखना कि अगर कोई बैक्टीरिया अपना वे बना रहा है पोर्टल सर्कुलेशन में तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कूफर सेल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं और वो कूफर सेल्स गट से पोर्टल सर्कुलेशन में चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सिग्माइडोस्कोपी इज डन इन विच पोजिशन जो सिग्माइडोस्कोपी की जाती है उसको हम किस पोजिशन में करते हैं लिथॉटमी पोजिशन नाइफ पोजिशन फॉलोअर्स पोजिशन नीचे पोजिशन तो नीचेस पोजिशन में सिग्माइडोस्कोपी की जाती है उससे क्या होगा जो हमारा सिग्माइडोस्कोप है वो प्रॉपरली इज़ीली मूवमेंट करेगा कॉलन में ठीक है क्या करेगा वो ईजिली मूवमेंट कर पाएगा क्योंकि देखो ना नीचेस पोजीशन ये रे बंदे के हाथ वो ऐसे करके लेटा ऐसे करके बैठा होता है ये उसके पैर होते हैं ठीक है ये उसके ऐसे रुको अच्छे से बना देती हूँ ये जैसे उसकी नीज ऐसे होती हैं ये उसकी थाइज हो गई ये हो गया उसका अपर बॉडी और ऐसे ठीक है इससे क्या होगा जो जो हमारा सिग्माइडोस्कोप है वो इजीली मूव कर पाएगा कॉलन में और हमें बेटर विजुअलाइजेशन देगा इसीलिए नीचे पोजीशन जो है वो दी जाती है इन सिग्माइडोस्कोपी अगला क्वेश्चन है प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन द इमीडिएट पोस्ट गैस्ट्रोस्कोपी पीरियड विल बी कौन सी इमीडिएट जो है इंटरवेंशन करते हैं जब पोस्ट गैस्ट्रोस्कोपी होके अभी पेशेंट आया ही है तो एडमिस्टर ऑक्सीजन असेस द गैग रिफ्लेक्स प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लुइड एडमिनिस्टर ऑर्डर्ड फ्लूड एंड ड्रग या फिर रिप्लेस एनजी ड्रेनेज एवरी टू आरली सो so, अगर किसकी गैस्ट्रोस्कोपी हुई है तो ऑब्वियसली हम उसका गैग रिफ्लेक्स जो है वो असेस करेंगे कोई भी फ्लोइड एडमिनिस्टर करने के लिए क्योंकि गैस्ट्रोस्कोपी में क्या करेंगे जो स्कोप है वो हम कहाँ से डालेंगे माउथ से तो उससे क्या हो सकता है गैग रिफ्लेक्स में थोड़ा फर्क आ सकता है इसलिए प्रायरली हमें अगर उसे कुछ भी देना है तो हम क्या करेंगे उसका गैग रिफ्लेक्स पहले असेस करेंगे कि ठीक है तभी हम उसको कोई फ्लूड देंगे क्योंकि एस्पीरेशन भी हो सकती है अगर कुछ दिक्कत है तो नेक्स्ट पे चलते हैं बेस्ट डिस इन्फेक्टेंट फॉर एंडोस्कोप इज हाइपोक्लोराइट फॉर्म एलडीहाइड या फिर क्लोरोहेक्सिडिन सो so, जो हमारा डिसइनफेक्टेंट है जो कि एंडोस्कोप के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज हाइपोक्लोराइट नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग पुट द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ अगर पेशेंट बार बार वॉमिटिंग कर रहा है तो वो कौन से रिस्क पे जा सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपर मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपो केलीमिया मेटाबॉलिक एल्केॉसिस विद हाइपर या फिर मेटाबॉलिक एल्केला विद हाइपो तो पेशेंट किस में जाएगा सो पेशेंट विल गो इन टू एल्केला विद हाइपोकैलीमिया देखो क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जब भी पेशेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग करेगा तो जो उसका गैस्ट्रिक एसिड है ठीक है वो आ जाएगा बाहर ऑब्वियसली अगर वो वॉमिटिंग कर रहा है सॉरी वॉमिटिंग करेगा तो उसका जो गैस्ट्रिक एसिड है और गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा ठीक है उसके साथ क्या होगा जो पोटाशियम भी होगा वो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा बिकॉज पोटाशियम तो ऑलरेडी सेल्स के बाहर रहता है ठीक है तो क्या होगा ये दोनों चीज़ें क्या आ जाएंगी वॉमिटिंग करते हुए बाहर आ जाएंगी अब जब गैस्ट्रिक से एसिड ही बाहर निकल गया तो उसको हो गया मेटाबॉलिक एल्केलोसिस अंदर एल्केलोसिस और एल्केलोसिस रह गया और जब पोटाशियम भी बाहर निकल गया तो क्या हो गया हाइपोकैलीमिया तो ऐसे याद रखना कि जब भी एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी उससे एक्सपल्शन किस चीज़ की होगी गैस्ट्रिक एसिड की और पोटाशियम की जिससे पेशेंट किस में चले जाएगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस एंड हाइपोकैलीमिया नेक्स्ट पे चलते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज एक्जेल्ड ब्रेथ इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ जो यूरिया ब्रेथ ब्रेथ टेस्ट करते हैं उसमें एक्जेल करते हैं ब्रेथ उसको किस चीज़ के लिए डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है चीज़. तो ऑप्शन है शेरिकिया कुलाई स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, या फिर स्टफायलोकोकस सो so, देखो जो ये यूरिया ब्रेड टेस्ट कराया जाता है ये किस चीज़ की प्रेजेंस के लिए कराया जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक। देखो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं क्या होता है कि इस जब भी जो एंजाइम है ना जो हेलीकॉप्टर बैक्टीरिया है ये एक एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है ठीक है कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है यूरेसी ठीक है यूरेसी करके यू आर ई -E ए सी करके ये एंजाइम जो है प्रोड्यूस करता है क्या करते हैं जो यूरिया ब्लड टेस्ट है ना इसमें एक टैबलेट दी जाती है पेशेंट को ठीक है क्या दी जाती है एक टैबलेट दी जाती है पेशेंट को उसको कहा जाता है कि तू तो इसको स्वेलो कर ठीक है जब वो इसको स्वेलो करता है तो अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है स्टमक में हेलिकोबैक्टर पायलोरी का तो क्या होगा जो ये क्या कर देगा ब्रेक कर देगा यूरिया को इंटू अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगा जो यूरिया है उसको अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा जब ये ब्रेकडाउन करेगा और यूरिया कब ब्रेक डाउन होगा जब इस एंजाइम का प्रेजेंस होगा अगर उसमें ये हेलिकोबैक्टर पायलोरिक जो प्रेजेंस है तो इट मीन्स उसने क्या प्रोड्यूस किया होगा यूरेसी इट मीन्स जब हम उसको वो टैबलेट देंगे तो वो क्या कर देगा इस एंजाइम की प्रेजेंट से इस एंजाइम की प्रेजेंट से यूरिया को कन्वर्ट कराएगा अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ठीक है जब उसने वो स्वेलो कर लिया तो हम पेशेंट जो इफेक्टेड होगा तो उसका जो ब्रेथ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा बिकॉज क्योंकि ब्रेकडाउन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया बना रहा है और अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा वो डायरेक्टली उसके किडनी से निकल जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ होगा तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या करेगा हेलीकॉप्टर पायलोरी है जो वो प्रोड्यूस करेगा एक, एक एंजाइम जिसको बोलते हैं हम यूरेसी अगर हम उसको कहेंगे तो टैबलेट खा ले ये वाली ठीक है जब हम उसको टैबलेट दे, दे देंगे वो वाली तो उससे क्या हो जाएगा अगर ये प्रेजेंट है पेशेंट में ये प्रेजेंट है पेशेंट में तो यूरिया को वो कन्वर्ट कर देगा अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में और पेशेंट की ब्रेथ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा इससे पता चल जाएगा हेलीगोकोवेक्टर पाइलोरी जो है वो प्रेजेंट ठीक है आई होप ये क्लियर हो गया हो अब आपको भूले ना नेक्स्ट -E है मेलिना सजेस्ट स्विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है एम ई है यहाँ पे किसमें होता है हेड इंजरी मिस कैरेज इंजरी टू अपर बावल या फिर इंजरी टू लोअर बावल सो मेलिना जो होता है इंजरी टू अपर बावल होता है बिकॉज ब्लडी स्टूल आता है ठीक है तो इट मीन्स उसकी गैस्ट्रो गैस्ट्रिक साइड में ही जो है वहाँ पे कोई दिक्कत हुई है जिससे उसको ब्लीडिंग हो रही है नेक्स्ट पे है ऑल द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फॉर जी ई आर डी गेस्ट्रोइोफेजियल रिफ्लैक्स डिसीज़ से अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है तो हम उसको कौन सी मैनेजमेंट देंगे वो सारी मैनेजमेंट देंगे एक्सेप्ट कौन सी नहीं देंगे ठीक है तो हमारे पास ऑप्शन है प्रोवाइड सुपाइन पोजिशन आफ्टर फीडिंग बर्प इन बिटवीन यूज थिक एंड फीड और सर्व स्मॉल फ्रीकेंट डाइट तो हम उसको प्रोवाइड स्पाइन पोजीशन आफ्टर फीडिंग बिल्कुल नहीं देंगे बिकॉज उससे रिगर्जिटेशन दोबारा से हो सकती है लेटाएंगे थोड़ी उसको हम खाना खाने के बाद तो वैसे भी नॉर्मली जो पेश इंसान होता है उसको लेटना कभी नहीं चाहिए बिकॉज उससे रिगर्जिटेशन होती है बर्फ दिलाएंगे सही है उससे फूड डाइजेस्ट हो रहा है पता चलेगा यूज थिक एंड फूड लिक्विड ही फूड कम देंगे क्योंकि लिक्विड का जो है वो रिगर्जिटेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और स्मॉलर फ्रीक्वेंट डाइट देंगे उसको नेक्स्ट पे चलते हैं हेल्थ एजुकेशन टू ए क्लाइंट ऑफ जी आर डी आप जी आर डी वाले पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन दोगे अवॉइड लाइंग डाउन इमिडिएटली आफ्टर फूड अवॉइड हैवी लिफ्टिंग हैव अ स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट या फिर ऑल ऑफ द तो ऑल ऑफ द अबव बिकॉज उसको लाई डाउन भी नहीं करना आफ्टर फूड के थोड़ा चलना फिरना है हैवी लिफ्टिंग भी नहीं करनी उससे क्या होगा पेट पे जोर पड़ेगा और उसका फूड कंटेंट जो है वो बाहर आएगा और स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट ही लेनी है हैवी मील से उसे रिगर्जिटेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं सो so, ये थे कुछ गेस्ट्रो इंटस्टैनल के क्वेश्चन अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं मैं रोज डालती रहूंगी ठीक है अभी तो चलेगा गेस्ट्रो इंटरस्टैनल सिस्टम तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल और अपने फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स को भी ये चैनल के बारे में शेयर करो बिकॉज मैं मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ आपको बहुत मेहनत लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट तो टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन प्लीज लाइक करके जरूर जाया करिए क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे को इंकरेजमेंट मिलेगी And subscribe to my channel so thank you so much for your love and support. All the best.